हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे। अच्छा, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑन रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले अपन रिवाइज करते हैं कि अभी तक अपन ने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले लेक्चर 1 में अपन ने क्या डिस्कस किया था? लेक्चर 1 में अपन ने डिस्कस किया था कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। उसके बाद डिस्कस किया था इसका कंसेप्ट कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक। इसके बाद फिर अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। ठीक है, कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद आए थे अपन लोग लेक्चर नंबर 2 पे। लेक्चर नंबर 2 में अपन ने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहला क्लासिफिकेशन लिक्विडिटी रेशियो, और लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। कितने रेशियो होते हैं उसके अंदर? 2 रेशियो, करेंट रेशियो और क्विक रेशियो। अच्छा ठीक है सर, इतना अपन पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन? अच्छा, आज अपन पढ़ने वाले हैं दूसरा क्लासिफिकेशन, जिसका नाम क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। क्या नाम है उसका? सॉल्वेंसी रेशियो। अच्छा, सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो आपका चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, ये बच्चों किस बुक से है आपका चैप्टर? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सर, तो बच्चों एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब वो जो अकाउंटेंट होता है ना बच्चों, अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट क्या करता है, सारा बैलेंस शीट बना लेता है, सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब रेडी कर लेता है साल भर का, उसके बाद वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे क्या करता है? थोड़ी सी एनालिसिस या रिसर्च टाइप ही करता है, रेशियोस फाइंड करता है, मतलब, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, और वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाता है। ये सब आपके चैप्टर्स है, इसलिए इसका नाम क्या? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब वो अकाउंटेंट क्या करता है? उस पर एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद वो कुछ रिजल्ट निकालता है, जो कि उसे किसमें देना पड़ता है? एनुअल रिपोर्ट में, और एजीएम में उसे क्या करता है? प्रेजेंट करता है। किसके सामने? यूजर्स के सामने। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई। तो सर, ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जब हम एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने के काफी सारे टूल्स होते हैं, जिनमें से एक टूल क्या होता है? रेशियो एनालिसिस, जो कि अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो जैसा कि बच्चों अपन ने स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो 4 टाइप के होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लीवरेज रेशियो। सर, लिक्विडिटी रेशियो अपन कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? लीवरेज रेशियो, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्वेंसी रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो के अंदर बच्चों कितने रेशियो होते हैं? 2 रेशियो होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। उसके बाद कौन सा है बच्चों? सॉल्वेंसी रेशियो। आपने ये चार्ट बना लिया होगा। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर बच्चों कितने रेशियो होते हैं? 4 रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 रेशियो आज अपन को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले अपन रिवाइज करते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो का फॉर्मूला। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पहला था करेंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी। और दूसरा क्या होता है बच्चों? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी। सर, करेंट एसेट और क्विक एसेट में डिफरेंस क्या होता है? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स, ये 3 चीजों का डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सॉल्वेंसी रेशियो समझने से पहले एक बार मैं आपको कंपनी की ये बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बच्चों, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। जो अभी तक बैलेंस शीट आपने पढ़ी थी टी शेप, वो होती है प्रोप्राइटरशिप की। ये जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में प्रिस्क्राइब है कि ये ही फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट का। ठीक है, तो बच्चों ये तो अपने आप में एक चैप्टर है, मगर क्या है कि अपन को इसके कुछ एलिमेंट्स आज काम आने वाले हैं, तो मैं इसलिए आपसे थोड़ा बहुत इस पर डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, ये 2 पार्ट में होता है बच्चों। एक होता है इसका पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जो आपकी स्लाइड पे दिख रहा है, और दूसरा पार्ट में अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, जो कि क्या होता है? एसेट होता है। चलिए ठीक है सर, पहले ये देख लेते हैं ये इक्विटी और लाइबिलिटी के अंदर क्या होता है। सर, ये इक्विटी क्या होता है? वो प्रोप्राइटरशिप के केस में कैपिटल होती थी ना सर, वो कैपिटल को यहाँ पे क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। ठीक है सर, और लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी तो 2 टाइप की होती थी, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। सेम यहाँ पे लाइबिलिटी तो सेम है, बस यहाँ पे इक्विटी और कैपिटल में जो चेंज आया है, मैं वो आपको समझाता हूँ। सर, इक्विटी का इज इक्वल टू क्या? इक्विटी बराबर क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी बराबर क्या होता है बच्चों? शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड क्या होता है बच्चों? जो कंपनी की कैपिटल होती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में होती है, तो कोई एक इंसान एक कंपनी का मालिक नहीं होता, कंपनी के मालिक बहुत सारे होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं। वो कैपिटल के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, उस कैपिटल के टुकड़े हर अलग अलग इंसान परचेस कर लेता है, तो उनको सारे टुकड़ों को मिला दो तो कंपनी की क्या बन जाती है? शेयर कैपिटल। और वो सारे शेयर होल्डर्स को मिला दो, सारे लोग आके मिल जाए, तो वो क्या बन जाते हैं?
शेयर होल्डर्स, तो वो सब लोग मिलके कंपनी के मालिक होते हैं, कोई एक अकेला इंसान कंपनी का मालिक नहीं होता। जैसे कि बच्चों रिलायंस, रिलायंस में मुकेश अंबानी जो है वो अकेला मालिक नहीं है, वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है, साथ में एक डायरेक्टर, वो कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है बट 100% शेयर होल्ड नहीं करता, तो वो पूरा कंप्लीटली कंपनी का मालिक नहीं है, 51% से ज्यादा शेयर है इसलिए वो कंपनी का डायरेक्टर है। ठीक है सर, इसके बाद शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस भी किसका पार्ट होती है? शेयर होल्डर फंड्स। सर रिजर्व्स कहाँ से बनते थे? सर रिजर्व्स बनते थे प्रॉफिट में से, प्रॉफिट किसका होता था? ओनर का होता था। तो सर ये रिजर्व्स भी किस में डाला गया है यहाँ पे फॉर्मेट में? शेयर होल्डर फंड्स में। ठीक है बच्चों, उसके नीचे के आइटम जो है वो आपके काम के नहीं है, सीबीएसई ने उसको आपके सिलेबस से हटा भी दिया है। ठीक है, उसके बाद है नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। ये तो सर जो आईपीसी सॉरी जो आप क्लास 11th में पढ़ के आए वो सेम की सेम है। ठीक है सर, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है सर, इसमें एक पॉइंट आएगा जो आपको दिक्कत करेगा, वो होता है बच्चों डिबेंचर। जैसे कि बच्चों कंपनी में कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे लोग आके कंपनी में पैसा लगाते हैं, वैसे ही जब कंपनी को लोन लेने की भी जरूरत पड़ती है, पैसा उधार लेने की भी जरूरत पड़ती है, तो कोई एक इंसान ने कंपनी क्या इश्यू कर देती है? अपने डिबेंचर इश्यू कर देती है। जैसे उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, उसने 100 रुपए का एक डिबेंचर बनाया, ऐसे कंपनी ने कितने डिबेंचर बनाए बच्चों? 10,000 डिबेंचर बनाए, और एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का है। तो बहुत सारे लोग आके वो डिबेंचर खरीद लेंगे और उसके थ्रू कंपनी क्या कर लेती है? पैसा रेस कर लेती है। वो भी एक टाइप की क्या होती है? नॉन करेंट लाइबिलिटी। बच्चों वो क्या है, ऐसा नहीं होता कि 15-20 दिन में पैसा लौटा देंगे, वो 5 साल 10 साल 25 साल, ये उनकी क्या होती है? मैच्योरिटी पीरियड होता है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अपन एसेट्स की तरफ। सर एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, ये ऑलरेडी मतलब जो 11th का है वही है, डिफर्ड टैक्स एसेट वापस से आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और बाकी ये जो फॉर्मेट है आप एक बार देख लीजिए, और बाकी मैं ये सारी चीज़ें आपकी ये जब ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें एक एक चीज़ आपकी कवर करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर बच्चों कितने रेशो होते हैं? डेप्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सर सॉल्वेंसी रेशो का मकसद क्या होता है? ये रेशो ये बताते हैं बच्चों कि सर कंपनी लॉन्ग टर्म में अपना पैसा रिटर्न कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये किस में जज कर पाते हैं अपन? सॉल्वेंसी, मतलब कंपनी सॉल्वेंट रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, कंपनी अपने ड्यूज क्लियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं भी कि नहीं है, तो ये सारी चीजें हम सॉल्वेंसी रेशो में पढ़ते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन डेप्ट इक्विटी रेशो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो से। सर इसका फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट मतलब क्या होता है बच्चों? नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या होता है बच्चों? नॉन करेंट लाइबिलिटी। और इक्विटी मतलब अभी अपन पढ़ के आए क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, मालिकों का पैसा। डेप्ट मतलब सर नॉन करेंट लाइबिलिटी, पैसा जो उधार लेके रखा है। कैसे कैसे उधार ले सकते हैं? डिबेंचर, बैंक से लोन ले सकते हैं, तो ये दो, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी हो सकता है। तो ये आपका क्या है? जो पैसा आपको पे करना, आपके ऊपर एक क्या है? लायबिलिटी है, आपको पे करना ही है, तो वो क्या होता है बच्चों? डेप्ट। डेप्ट अपॉन इक्विटी। सर आपने जो पैसा उधार लेके रखा है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है, उसको आपने न्यूमरेटर में रख दिया, और इक्विटी को शेयर होल्डर को जो पैसा है वो आपने क्या कर दिया? डिनोमिनेटर में रख दिया। इससे होगा क्या? यदि डेप्ट ज्यादा होंगे तो सर ये रेशियो, जैसे कि समझ लीजिए, अज्यूम कर लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और वहां पे आप जाके सबसे पहले क्या चेक करेंगे? डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले आप ये मिक्सचर तो देख लेंगे कंपनी ने, मतलब कंपनी में इक्विटी होल्ड, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं वो लोगों का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, या जो लोगों ने पैसा उधार, मतलब ये कंपनी ने पैसा उधार लेके रखा हुआ है। दोनों में आप क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे कि यार मतलब इसका मिक्सचर जो है, ये जो आइडल रेशो होता है वो क्या होता है बच्चों? 2:1। 2:1 मतलब 1 रुपए इक्विटी का तो 2 रुपए डेप्ट का यदि है आपकी कंपनी में तो आपका बेस्ट माना जाएगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है। कि आपने जैसे 10 लाख रुपए अपने लगाए कंपनी में तो आप 20 लाख तक का
लोन ले सकते हो, मगर सर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं, मतलब आपकी जो इक्विटी है वो 10 लाख रुपए है और आपने लोन लेके रखा है 1 करोड़ रुपए का, तो सर आपके दिमाग की बत्ती चलेगी कि यार कल के दिन यदि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो कंपनी के पूरा एसेट बिकेंगे, और एसेट बिकेंगे तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? सबसे पहले मिलता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, मतलब जो बाहर की लाइबिलिटीज होती है उनको पहले पैसा मिलेगा, इक्विटी को तो बाद में मिलेगा, हो सकता है इक्विटी को पैसा रिकवर ही ना हो पाए, मिल ही ना पाए। तो सर ये रेशियो यही बताता है कि आपका मतलब जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है और सर जो आपका शेयर होल्डर का फंड है उन दोनों के बीच में क्या बताता है बच्चों, रिलेशन बताता है। ठीक है बच्चों, चलिए डेप्ट अब अपन पढ़ लेते हैं। डेप्ट क्या होते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है। इसके आइटम क्या क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एग्जाम्पल में लोन फ्रॉम बैंक और डिबेंचर। और सर इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, सर ये सब आप आगे पढ़ेंगे, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। सर ये फिक्टिशियस एसेट को माइनस क्यों किया है? सर एक बात बताइए, कंपनी में प्रॉफिट होता है तो वो किसका होता है? मालिकों का होता है ना। यदि कंपनी में लॉस होगा तो वो किसका होगा? सर वो भी मालिकों का होगा। तो सर वो यदि प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड कर देते हो, यदि लॉस होगा तो कैपिटल में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो सर फिक्टिशियस एसेट लॉस होता है क्या? यदि सर आपका ऐसा लॉस रखा हुआ है जिसको आपने अभी रिटर्न ऑफ नहीं किया है तो वो कहां पे पड़ा हुआ रहता है? फिक्टिशियस एसेट में। तो सर वो आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। या आपका ऐसा कोई एक्सपेंस जो अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है वो कहां पे जाके पड़ा रहेगा? फिक्टिशियस एसेट में, जिसको अभी आपने राइट ऑफ नहीं किया। तो बच्चों इसलिए फिक्टिशियस एसेट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं, कैलकुलेट दी डेप्ट इक्विटी रेशियो। सर इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है? अपन ने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या पढ़ा है? डेप्ट अपॉन इक्विटी। अपन को डेप्ट अलग से ढूंढ के निकालना है, इक्विटी को अलग निकालना है, और उसको क्या कर देंगे अपन? फॉर्मूले में रख देंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए सर डेप्ट क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो सर नॉन करेंट लाइबिलिटी दिख रही है, हाँ सर वो सेकेंड नंबर पॉइंट पे, एक सेकेंड, ये जो सेकेंड नंबर पॉइंट पे ये क्या है आपकी? नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है सर, ये नॉन करेंट लाइबिलिटी कितनी दिख रही है? 12 लाख। तो सर डेप्ट आपको मिल चुका है। डेप्ट क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, मतलब जो लॉन्ग टर्म में हो। ठीक है सर, अब सर करेंट लाइबिलिटी आएगा क्या? नहीं, करेंट लाइबिलिटी डेप्ट का पार्ट नहीं होती है। ठीक है सर, अब सर हमें डेप्ट तो मिल चुका है, अब क्या चाहिए हमें? इक्विटी। तो इक्विटी ढूंढने गए तो हमें दिखा शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो 10 लाख और 9 लाख कितना हो गया? 19 लाख। तो डेप्ट अपना कितना था? 12 लाख रुपीस, और शेयर होल्डर फंड कितना है अपना? 19 लाख रुपीस। तो सर अब समझ पा रहे हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। ये रहा सर उसका सॉल्यूशन, जिस तरीके से आपको एग्जाम में भी प्रेजेंट करना है। डेप्ट है अपना 12 लाख रुपीस, इक्विटी है अपना 19 लाख रुपीस, तो रेशियो कितना निकल के आ गया? 0.63:1। तो ये क्या बताता है रेशियो? की कंपनी में 1 रुपए किसका? इक्विटी का, मतलब मालिकों का लगा हुआ है, उसके कंपैरिजन में 0.63 किसका लगा हुआ है? नॉन करेंट लाइबिलिटी का, बाहर वालों का पैसा लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप ये सॉल्यूशन। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो चलिए दूसरे रेशो की तरफ बढ़ते हैं, टोटल एसेट टू डेब्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। तो सर इसको टोटल एसेट अपॉन डेब्ट ऐसा क्यों सर? तो सर ऐसा इसलिए सर, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने पूरे एसेट्स, फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट दोनों, जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं वो सर जो हमारे को नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जो बाहर वालों को पैसा देना है, उसके साथ उसका क्या कंपैरिजन करेंगे। अब सर आप समझो कि आपको बाहर जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है वो पे करना था 20 लाख, और आपके जो टोटल एसेट है आपके 40 लाख। ठीक है, तो सर इससे क्या निकल के आया आंसर? इससे आंसर ये निकल के आया कि सर आपके जो टोटल एसेट है वो है, रेशियो क्या निकल के आया? 2:1। मतलब ये क्या बताता? आपको यदि अपने नॉन करेंट लाइबिलिटी को 1 रुपए पे करना है तो आपके पास एसेट कितने रखे हुए हैं? 2 रुपए के रखे हुए। तो सर इससे फाइनेंशियल पोजिशन कंपनी की क्या दिखती है? अच्छी दिखती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल एसेट क्या होते हैं? नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। और डेप्ट क्या होता है सर? ये तो अभी अपन पिछले एग्जांपल में भी पढ़, सॉरी पिछले कंसेप्ट में भी पढ़ के हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एग्जांपल क्या थे? लोन फ्रॉम बैंक और डिबेंचर। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट। अब सर क्वेश्चन बैलेंस शीट देख के घबराना नहीं है अपन को, अपन को तो जो निकालना है ना सॉल्यूशन, तो उसका उस वो चीजें अपन ढूंढ लेंगे। सर सबसे पहले टोटल एसेट टू डेप्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट ढूंढो कहाँ है? टोटल ये देखिए आप, टोटल
एसेट ये पूरे मिला देंगे आप तो क्या बन जाएंगे बच्चों आपके टोटल एसेट। तो टोटल एसेट ये दिख रहा है आपको 36 लाख, ये 36 लाख आ गया आपका टोटल एसेट। अब सर आपको क्या चाहिए, डेप्ट चाहिए। अब डेप्ट कहाँ है, ये रहा सर नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब इसका कितना अमाउंट है, 12 लाख रुपए। मतलब सर 36 लाख रुपीज के आपके पास एसेट है, और आपको यदि लॉन्ग टर्म बोरिंग, यदि आप कंपनी में कंपनी को पैसा उधार देना चाहते हो, तो आप क्या चेक करोगे टोटल एसेट टू डेब्ट। आप देखोगे कंपनी के पास 36 लाख रुपीज के एसेट है, और कंपनी को लोन कितना है कंपनी के ऊपर, 12 लाख रुपए का। मतलब कंपनी को 1 रुपए लोन पे करने के लिए कंपनी के पास कितने रुपए हैं, 3 रुपए। तो आप ये इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, टोटल एसेट अपॉन डेट 36 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, 3:1। 1 रुपए डेट पे करने के लिए हमारे पास कितने रुपए हैं, 3 रुपए रखे हुए। मतलब इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो। सर ये प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, सर ये होता है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। सर ये रेशियो क्या बताता है, ये रेशियो बच्चों बताता है, ये रेशियो बताता है कि सर जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स का कितना पैसा टोटल एसेट्स में फंसा हुआ है। मतलब सर यदि आप कंपनी में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, मतलब कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले जाके प्रोप्राइटरी रेशियो देखेंगे। यदि आप कंपनी को लोन देना चाहते हैं, तो आप कौन सा रेशियो देखेंगे, टोटल एसेट टू डेब्ट। और यदि आप कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो आप कौन सा रेशियो देखेंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। ये रेशियो क्या बताता है कि सर टोटल एसेट में शेयर होल्डर्स का कितना हिस्सा है। मतलब सर यदि टोटल एसेट है 10 लाख रुपए के, और सर शेयर होल्डर फंड है 5 लाख रुपीज का, तो सर इससे क्या पता चलता है, जीरो, इससे रेशियो क्या बना, 0.5:1। यदि कंपनी के टोटल एसेट 1 है, तो उसमें 0.5 किसका है, शेयर होल्डर्स का है। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड सेम अपन डिस्कस कर चुके हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, और टोटल एसेट भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। ठीक है चलिए क्वेश्चन करते हैं प्रोप्राइटी रेशियो का। प्रोप्राइटी रेशियो का अभी अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढो शेयर होल्डर फंड्स का है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, ये रहा शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स का टोटल कितना है, 10 लाख प्लस 9 लाख, कितना हो गया बच्चा, 19 लाख। ठीक है सर अपन ने शेयर होल्डर फंड्स तो ढूंढ लिया, अब दूसरी चीज अपन को क्या ढूंढनी है, टोटल एसेट। सर तो टोटल एसेट मतलब ये, सर टोटल एसेट मतलब ये जो 36 लाख रुपीज दिख रहे हैं, ये क्या है आपके टोटल एसेट। तो ये 36 लाख रुपीज का किसके साथ कंपेरिजन करना है, 19 लाख रुपीज का। तो सर इसे फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूले में रखा तो सर 19 लाख रुपीज का शेयर होल्डर फंड और 36 लाख रुपीज के आपके टोटल एसेट। तो रेशियो निकल के आ गया 0.53:1। कंपनी के एक, यदि कंपनी के पास 1 रुपए के टोटल एसेट, तो उसमें 0.53 इसका है बच्चों, शेयर होल्डर्स का है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किस बारे में बात करता है, समझिए बच्चों, आप है एक बैंक, आप क्या है एक बैंक, आपके सामने एक कंपनी आई एजी लिमिटेड, उसको क्या चाहिए था, लोन चाहिए था। आपने एजी लिमिटेड से बोला कि आपको लोन चाहिए था, आप अपने पहले क्या दिखाइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाइए। अब आप जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, तो आपको सबसे पहले आप क्या देखोगे, कंपनी को इतना प्रॉफिट होता है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर पाए। मतलब आप देखोगे सामने वाला लोन लेने के लिए आया है 1 लाख रुपए का, और उसको जो प्रॉफिट, जो इस पे इंटरेस्ट आपको साल भर का सामने वाले से रिकवर करना है 1 लाख का, मतलब 10% पे आप लोन दे रहे हो, तो 10,000 रुपये आपका इंटरेस्ट बनता है। अब आपने देखा क्या, कंपनी की इतनी फाइनेंशियल, कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 50,000 रुपये का। तो सर आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए, 10,000 रुपये, कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50,000 रुपये, मतलब कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर पाएगी। अच्छा दूसरा केस, यदि कंपनी, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, उसमें देखा प्रॉफिट कितना था, 5,000 रुपीज, और आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 10,000 रुपये, आप क्या कंपनी को लोन दोगे, और सर उसको तो इतना प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा कि वो लोन ले लेगा, तो लोन को रीपे कैसे करेगा, उसको तो इतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। इसलिए सर हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस सर वही जो लोन पे
जो इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है या इंटरेस्ट चार्ज अभी तक हुआ है वो क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इसको कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब जो डेब्ट को, मतलब आप पैसा उधार लेंगे तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वही इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात हो रही है। और ऊपर क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है? सर बचपन में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट निकालना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देते थे और इनडायरेक्ट इनकम क्या कर देते थे, ऐड कर देते, तो आपका क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट, ठीक है सर। अब सर आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब सर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, मैंने इनडायरेक्ट इनकम लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम ऐड करने के बाद आपको क्या छोड़ना है, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस छोड़ना है और एक टैक्स एक्सपेंस छोड़ना है। यदि आप इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस छोड़ दोगे तो क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर हमको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है सर, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है सर। 9,60,000 दिया हुआ है और सर 12% डिबेंचर है 20 लाख रुपीज के, और 10% लोन लेके रखा है IDBI बैंक से 12 लाख रुपीज का, ठीक है। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी फाइंड करना है, ठीक है। और कंपनी हैज रिमेन्ड स्टेबल एट अराउंड 5% फॉर द लास्ट 5 ईयर, द इन्वेस्टर और हैप्पी एट दिस फीचर। ये सर फालतू की बात दी हुई है, आपके काम की बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा दिखाने के लिए ये लाइन दी हुई है, ठीक है। मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, अपन को क्वेश्चन का जब आंसर निकालना है तो इसका कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये इसका क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सर हमारे पास ना तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ना ही इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। तो बच्चों इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। सर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेब्ट दिए थे क्या, हाँ सर, ये 20 लाख रुपीज का डिबेंचर थे जिसपे हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, 12% का इंटरेस्ट पे करना है, तो साल भर का इंटरेस्ट कितना हुआ, 2,40,000। और एक 12 लाख रुपए का IDBI से लोन लेके रखा है 10% पे, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया बच्चों, अपना इंटरेस्ट का पैसा 3,60,000। अब टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया अपन ने 3,60,000। अब अपन को क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों तरीका ये होता है, जैसे कि बच्चों प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस होने के बाद टैक्स, उसके दो टुकड़े होंगे, एक टैक्स, एक तो टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, दूसरा पैसा शेयर होल्डर्स को जाएगा। जैसे बच्चों समझो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था 12 लाख रुपीज, कितना था 12 लाख रुपीज, इसमें से 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया तो बच्चों कितने पैसे बचे, 10 लाख रुपए बचे। क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ठीक है। अभी इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो गया बट टैक्स माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। तो सर अब 10 लाख रुपए पे टैक्स मांगने आई गवर्नमेंट, तो हमने बोला कितना टैक्स दिए, तो उसने कहा 40%, तो हमने जब टैक्स देखा 40% भरा तो कितना हो गया, 4 लाख रुपए चले गए, 10 में से 4 लाख रुपए चले गए। अब बचे कितने, 6 लाख रुपए, जो 6 लाख रुपए ये कितना है बच्चों, 60% है। बोलो मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अब बच्चों ये जो 9,60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है, अपन अज्यूम करेंगे कितना है, 40%। अब सर जो टैक्स पे कर दिया आपने 40%, वो तो चला गया, ये किसके लिए, ये शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बचा है 9,60,000, ये कितना है, 60% है। यदि 9,60,000 60% है तो अपन 100% कैलकुलेट कर लेंगे रेसिप्रोकल करके, तो वो अपना कितना आ गया बच्चों, 16 लाख। ये क्या आ गया अपना बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। अब 16 लाख में यदि आप इंटरेस्ट को भी प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपने यहां पे रख दिया तो आपका क्या निकल के आ गया, रेशियो 5.44 टाइम्स। मतलब इसको अपन रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टाइम्स फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब रेशियो फॉर्म में 5.44:1। 1 रुपए इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास 5.44 रुपीज रखे हुए हैं, ठीक है बच्चों,
ठीक है बच्चों, अभी भी कोई डाउट बाकी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9993888160। नोट्स के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो मार्जिनल क्लासेस के नाम से, और उसमें चैट सेक्शन में आप हमारा अपना डाउट भी भेज सकते हो जिसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और नए लेक्चर्स के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।